नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान छिपा आप सभी विद्वान और विदुषियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास अष्टम का पाठ पंचम, सब्जेक्ट आपको पता ही है संस्कृत है ही, है ना, कक्षा आठ का पांचवा पाठ। दोस्तों, ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अपन ने पहले कहानी पढ़ी थी और ये दूसरी कहानी है। क्या कह रहे हैं, कंटन है ना, कंट के नैव कंटकम। अब यहाँ पे दोस्तों कंट केन प्लस एव, क्या है यहाँ पे कंट केन प्लस एव है ना, यानी कंट केन, कंट का मतलब होता है दोस्तों कांटा, तो कह रहा है कांटे से, एव का मतलब होता है ही, एव का मतलब क्या होता है ही, तो क्या कह रहा है कांटे से ही कंटनम कांटा निकाला जाता है। क्या कह रहा है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, है ना, कांटे से ही क्या निकाला जाता है, कांटा निकाला जाता है। पास में आ गई, लेसन का नाम क्या है, कंट के नैव कंटकम, मतलब कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, है ना, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कैसे कह रहे, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, व्याधः, व्याध का मतलब होता है दोस्तों शिकारी, व्याध का मतलब क्या होता है शिकारी, व्याध का मतलब क्या होता है शिकारी, तो कह रहे कोई चंचल नाम का शिकारी था। आसीत का मतलब होता है दोस्तों था, है ना, कोई चंचल नाम का शिकारी था, किस नाम का शिकारी था, चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादी नाम ग्रहणेन स स्वीय जीविका निर्वाहयति स्म, आपको दोस्तों प्रश्न बताया था मैंने, है ना, जिस धातु के बाद में है ना क्रिया में स्म लग जाता है तो क्रिया भूतकाल की हो जाती है, क्रिया क्या हो जाती है भूतकाल की, तो क्या कह रहा है पक्षी मृगादी नाम, पक्षी है ना पशु पक्षियों को ग्रहण करके वह कौन व्याध शिकारी, स्वीय स्वीय का मतलब होता है अपनी, स्वीय का मतलब कहता है अपनी जीविका निर्वाह यतिस्म, अपनी आजीविका का निर्वाह करता था, यानी वह कौन शिकारी पशु पक्षियों को ग्रहण करके ही अपनी आजीविका का निर्वाह करता था, किसको पकड़ करके पशु पक्षियों को पकड़ करके, कौन चंचल, चंचल कौन था शिकारी, है ना, वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। फिर क्या कह रहा है, एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार सह उसने, एक बार उसने, एक बार उसने, उसने किसने चंचल ने अर्थात शिकारी ने, एक बार उसने वने, वने का मतलब होता है जंगल में, जालम जाल, विस्तीर्य, विस्तीर्य का मतलब होता है फैलाकर, विस्तीर्य का मतलब कहता है जंगल में जा वो है ना, जंगल में जाल फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया, जंगल में गया, जंगल में जाकर के है ना जाल फैलाकर घर आगतवान आ गया, कौन आ गया चंचल, कौन शिकारी। अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन या दूसरे दिन, अन्यस्मिन दूसरे दिन, दूसरे दूसरे दिवसे के दिन प्रातः काले सुबह यदा जब चंचल चंचल वनम गतवान, अगले दिन जब चंचल वन गया, अगले दिन चंचल जब कहां गया वन गया, गतवान, गतवान का मतलब होता है वन, सॉरी गया है ना, कहां गया वन, वन का मतलब जंगल, अगले दिन चंचल जब जंगल गया तदा, तदा का मतलब होता है तब, तदा का मतलब
तब सह उसने, तब उसने दृष्टवान, दृष्टवान का मतलब होता है दोस्तों देखा, दृष्टवान का मतलब क्या होता है देखा, तब उसने देखा यत कि तेन उसके द्वारा विस्तारित फैलाए गए, विस्तारित का मतलब क्या होता है फैलाए गए, उसके द्वारा फैलाए गए जाले, जाल में दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से एक एक व्याघ्र बाघ बद्ध आसीत, बंधा हुआ था, बद्ध यानी बंधा हुआ, बंधा हुआ था, कौन था बंधा हुआ व्याघ्र, व्याघ्र यानी बाघ, किसमें जाल में, कब अगले दिन, जब चंचल अगले दिन जंगल में गया तो जंगल में जाकर देखा कि उसने जो जाल फैलाया था उस जाल के अंदर एक बाघ बंधा हुआ था, कौन बंधा हुआ था एक बाघ बंधा हुआ था। सह अचिंतियत उसने सोचा, सह अचिंतियत उसने सोचा, उसने किसने बाघ ने सॉरी शिकारी ने सोचा, क्या सोचा व्याघ्र मां, व्याघ्र मां खादिष्यति, यह बाघ मुझको खा जाएगा, कौन सोच रहा है शिकारी मतलब चंचल है ना, शिकारी सोच रहा है यह बाघ मुझको खा जाएगा, यह बाघ मुझको खा जाएगा, अतएव इसलिए, अतएव का मतलब क्या होता है इसलिए पलायनम करणीयम, भाग जाना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए भाग जाना चाहिए, कौन कह रहा है ये व्याघ्र कहता है, शिकारी कहता है, शिकारी कहता है इसलिए यहां से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, बाघ ने क्या किया निवेदन, निवेदन किया क्या क्या, भव मानव कल्याणम भवतु, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याणम भवतु, कल्याण हो तुम्हारा, क्या हो कल्याण हो, यदि तुम मोच ईशसी, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे, मोच ईशसी छोड़ दोगे, मोच ईशसी का मतलब क्या होता है छोड़ दोगे, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तरही तो, तरही का मतलब तो, अहम त्वम मैं तुमको न हनिष्यामि मारूंगा, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, कौन कहता है बाघ कहता है, किसको कहता है शिकारी को कहता है, अरे शिकारी अगर तुम मुझको छोड़ देगा तो मैं तेरे को नहीं मारूंगा। तदा तब सह व्याघ्र वह शिकारी व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बही, बही का मतलब होता है दोस्तों बाहर, और बही के योग में लगती है पंचमी विभक्ति, बही के योग में क्या लगती है पंचमी विभक्ति। तब उस बाघ ने शिकारी को, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निरसारियत निकाल दिया, निरसारियत निकाल दिया है ना, उसके बाद में उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ है ना, तो बाघ कैसा था थका हुआ, आसीत का मतलब था बाघ कैसा था थका हुआ था, बाघ कैसा था थका हुआ था है ना, बाघ थका हुआ था। सह अवदत वह बोला, क्या बोला भो मानव हे मनुष्य पिपासु है मैं प्यासा हूं, पिपासु का मतलब होता प्यासा है ना, हे मनुष्य हे मानव मैं प्यासा हूं, किसने कहा बाघ ने कहा, किसको कहा शिकारी को कहा, हे मानव मैं प्यासा हूं अहम मैं नद्यः जलम आनीय मम पिपासा शामय, हे मनुष्य है ना मैं प्यासा हूं नदी का पानी लाकर मेरी प्यास को शांत करो, पिपासा यानी प्यास, शमय का मतलब होता है शांत करो है ना, किसका पानी नद्याहा नदी का,
नदी का पानी लाकर मेरी प्यास को क्या करो, शांत करो। कौन कहता है? बाघ कहता है। व्याघ्रः शिकारी जलम पीत्वा, शिकारी पानी पीकर, पीत्वा का मतलब पीकर, पा धातु गत्वा करते हैं, पीकर पुनः फिर व्यादम अवदत शिकारी से अप, है ना, व्यादम अपश्यत, है ना, व्याघ्र यानी शिकारी, शिकारी को देखता है, यानी बाघ क्या करता है, पानी पी लेता है, पानी पी करके शिकारी को देखता है, शिकारी क्या करता है, देखता है। समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत होगी, मेरी पिपासा प्यास, समय यानी शांत, मेरी पिपासा क्या हो गई, शांत हो गई, अर्थात मेरी प्यास तो बुझ गई, अर्थात अब मेरे को प्यास नहीं है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो का मतलब होता है भूखा, बुभुक्षितो का मतलब कहता है क्या कह रहे हैं, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूं, प्यास तो शांत हो गई, अब मैं क्या हूं, भूखा हूं। इदानीम अहं त्वां खादिष्यामि, इदानीम अब अहं मैं त्वां तुमको खादिष्यामि खाऊंगा, अहं खादिष्यामि अब मैं तुमको खाऊंगा। कौन कहता है, बाघ कहता है शिकारी से। चंचल है उत्तवान, चंचल बोला अहं त्वत् कृते धर्मम् आचरित्वा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने आपके लिए क्या किया, धर्म का आचरण किया, मतलब मैंने आपकी भलाई की। तो यह मिथ्या भणितम, मिथ्या का मतलब होता है दोस्तों झूठ, है ना, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, भणित का मतलब होता है कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। तुम माम खादितुम इच्छसी, तुम मुझे खाना चाहते हो, इच्छसी चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत शिकार, बाघ बोला अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, छुरदाता या किमपि अकार्यम न भवति, है ना, होना क्या, छुरदाता छुरदताय भूख के लिए किमपि कुछ भी अकार्यम न भवति, कोई भी काम गलत न भवति नहीं होता, न भवति नहीं होता, क्षुधाताय भूख के लिए, किसके लिए, भूख के लिए कोई भी, है ना, कार्य गलत नहीं होता, भूख के लिए कोई भी काम गलत नहीं होता, अर्थात भूख के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, सामने वाले को उल्लू भी बना सकते हो, हमें भूख लगी है, हमें तो कुछ ना कुछ खाना है, सामने वाले को कैसे उल्लू बनाऊं ताकि मैं खा लूं, होता नहीं होता। शादी में जाते हैं ना अपन, वो दो दही बड़े लेके आता है, लाता है ना, और अपन को दही बड़े खाना है, तो उसके बोलता है एक काम कर, ये प्लेट तू मेरे को दे दे, तू वो लेके आ, कहते नहीं कहते, ये प्लेट मेरे को दे दे, तू वो लेके आ जा, दूसरी चीज लेके आ जा, है या नहीं है, उसको उल्लू बनाते ये मेरे को दे दे, करते नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे साथ हो गया हुआ। तो क्या कह रहे हैं, व्याघ्र कहता है ना, अरे मूर्ख, छुरदता ये किमपि अकार्यं न भवति, भूख के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। सर्वस्वार्थम समीहते, है ना, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, सब कुछ किस में निहित है, स्वार्थ में ही निहित है। फिर कह रहा है व्याघ्र अवदत, है ना, चंचल, सब कुछ स्वार्थ में निहित है, किसी से भी पूछ लो। तो चंचल नदी जलम समीयते, चंचल नदी के पास जाता है और अपृच्छत पूछता है, नदी जलम अवदत, नदी का पानी बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है कि सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, जैसा स्वार्थ करता है वैसा करो। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, नदी कहती है लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, अर्थात नदी में लोग स्नान, नदी के पानी में स्नान करते हैं, वस्त्राणि कपड़ों को प्रक्षालयन्ति धोते हैं,
प्रक्षालियंती को मतलब कहते हैं धोते हैं, प्रक्षालियंती का मतलब धोते हैं। लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, तथा च और मल मूत्र अधिकम विसृज्य, विसृज्य का मतलब छोड़कर, विसर्जन करना मतलब छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं। कह रहे हैं लोग नदी में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र विसर्जित छोड़कर रिगदते चले जाते हैं, यानी उसी नदी के अंदर ही है ना लेटरिंग बाथरूम कर देते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं और चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थम समीयते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचल वृक्षमुपगम्य पृच्छत, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है, पेड़ के पास जाकर पूछता है। वृक्षावदत, पेड़ बोला मानव अस्माकं छाया वीरमंती, लोग हमारी छाया में आराम करते हैं, वीरमंती आराम करते हैं, विश्राम करते हैं या आराम करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। कहां पर कह रहे हैं लोग हमारी छाया में, छाया छाया में वीरमंती रुकते हैं या आराम करते हैं। अस्माकं फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं। पुनः फिर कुठारी, क्या कह रहे हैं कुठारी, कुठारी का मतलब था कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ियों से है ना। आसमान को फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं। पुनः और फिर कुठारी प्रहृत्य, प्रहार करके, प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यम, हमें सर्वदा कष्ट दाती, हमें कष्ट देते हैं। तो पेड़ कहता है लोग हमारे फल खाते हैं, लोग हमारे फल खाते हैं, छाया में आराम करते हैं और फिर क्या कहते हैं कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, हमें हमेशा क्या देते हैं कष्ट। कौन लोग, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काटने लग जाते हैं। यूं नहीं है भाई ये फल पका हुआ है इस फल को तोड़ लेते हैं, ये फल पका हुआ है इस पके हुए फल को तोड़ते नहीं, पेड़ को काटेंगे, जहां इच्छा इस डाली को तोड़ने तोड़ने लग जाते हैं। तो ये गलत है, ऐसा मैं नहीं करना चाहिए। सर्व स्वार्थम समीयते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि शिकारी कहता है कि भाई मैंने तो तेरी सहायता की थी है ना, धर्म का आचरण किया था और तू तो मुझको मारना ही चाहता है। तो सारों से पूछ लेता है ना, पानी से पूछता है, तो नदी कहती है कि लोग मुझमें स्नान करते हैं, उल्टा वहीं कपड़े धोते हैं, मल मूत्र छोड़ करके चले जाते हैं। फिर पेड़ के पास जाता है तो पेड़ क्या कहते हैं, एक तो मेरे फल खाते हैं, दूसरा छाया में आराम करते हैं, और उल्टा क्या करता है ना कुल्हाड़ियों से जहां कहीं भी मुझे काटने लग जाते हैं। इन सारी बातों को क्या है कि समीपे पास में एका एक लोम शिक्का का मतलब होता है लोमड़ी, लोम शिक्का मतलब लोमड़ी, बद्री गुलमादा, बद्री बद्री गुलमादीना यानी बेर की झाड़ियों के पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे मिलीना छुपी हुई, मिलीना छुपी हुई, एता वार्तम सुनोति स्म, इन बातों को सुन रही थी, स्म थी आएगा, क्या कहे श्रीनोति स्म, सुन रही थी, सुन रही थी, कौन लोम शिक्का। तो क्या कह रहा है, पानी ने कह दिया है ना, पेड़ ने कह दिया, तो जो पानी पेड़ ने बातें बताई उन सारी बातों क्या था कि लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे इन सारी बातों को क्या कर रही थी, सुन रही थी। कौन सुन रही थी, लोमड़ी सुन रही थी। किन की बातें सुन रही थी, पानी और पेड़ की बातें। सा वह सहसा, सहसा का मतलब दोस्तों अचानक, कहता है
सहसा का मतलब होता है अचानक, जलम, चंचलम, उपसृज्य, चंचल के पास आकर, उपसृज्य का मतलब होता है पास आकर, है ना, पास जाकर कथयति, चंचल के पास जाती है जाकर कहती, क्या कहती है, का बात है, का बात, क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या बात हुई, माम अपनी विज्ञा है, माम यानी मुझे, अपनी यानी भी विज्ञा यानी बताओ, मुझे भी बताओ, कौन कहती है, लोमड़ी कहती है, क्या बात हो, मुझे भी बताओ, स अवद, वह बोला, हा मातृशोष, अरे मौसी, अरे मातृशोष यानी मौसी, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अवसरे समय पर, अवसरे समय पर तुम समागतवती आई हो, अरे मौसी तुम समय पर आई हो, अरे मौसी तुम समय पर आई हो, अस्य व्याघ्रस्य प्राण रक्षिता, अस्य इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, अरे मौसी तुम समय पर आई हो, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, परंतु परम लेकिन ऐसा यह माँ मुझे ही खादी तुम इच्छति, खाना चाहता है, लेकिन ये तो मुझे ही खाना चाहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, शिकारी कहता है, किसको कहता है, लोम शिकार, लोमड़ी को कहता है, मौसी मैंने तो इसके प्राणों की रक्षा की, अब ये मुझे ही खाना चाहता है, तदंतरम उसके बाद, तत् प्लस अंतरम, उसके बाद सह वह लोम शिकाई लोमड़ी को निखिला यानी संपूर्ण या सारी है ना कथा न्यायवदत निवेदन की, उसके बाद में उस शिकारी ने क्या किया, सारी घटना जो थी ना, सारी बातें है ना, सारी बातें उसने उस लोमड़ी को बता दी, सारी कैसे, कि मैंने जाल फैलाने गया था, अगले दिन वापस गया तो उस जाल के अंदर बाघ था, है ना, मैं जैसे दौड़ने लगा भागने लगा तो बाघ ने कहा, अरे भले मनुष्य मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो, यदि तुम मुझको इस जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, है ये नहीं है, हा? फिर क्या करे, है ना, नहीं मारूंगा, तो फिर वो उसको जाल से बाहर निकाल देता है, कहता है नदी से पानी लेके आओ, मैं पानी पीऊंगा, मुझे प्यास लग गई, वो नदी से पानी लेके आता है और उसकी प्यास को शांत करता है ना। लोमसी का चंचलम अकथय, लोमड़ी ने चंचल से कहा, क्या कहा, बाडम, बाडम मतलब ठीक है, ठीक है, आपकी कहानी मेरे को समझ में आ गई, अब ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, जालम यानी जाल, प्रसार यानी फैलाओ, तुम क्या करो, जाल फैलाओ, पुनः स और दोबारा सा व्याघ्र अवदत, फिर वह बाघ को बोले, उसने पहले शिकारी को कह दिया तुम एक काम करो वापस जाल फैलाओ, जाल बिछा लो वापस, है ना, और शिकारी को कहा, है ना, व्याघ्रम बाघ को कहा, केन प्रकारेण, किस प्रकार से तुम एतस्मिन इस जाले, जाल में बद्ध, यानी लोमड़ी ने शिकारी को कहा तुम जाल फैला दो, है ना, लोमड़ी ने शिकारी से कहा तुम जाल फैला दो, और वह बाघ से बोली कि तुम किस प्रकार से, लोमड़ी ने बाघ को कहा, लोमड़ी ने बाघ को कहा कि तुम किस प्रकार से इस जाल में बंधे, अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, प्रत्यक्षम आंखों के सामने, प्रत्यक्षम का मतलब होता है सामने, है ना, मैं सामने दृष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ कि आप जाल में कैसे बंधे, व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन, तो क्या कहता है, व्याघ्र, व्याघ्र यानी बाघ, तद वृतांतम उस घटना को प्रदर्शयितुम, प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन जाले, उस जाल में प्राविशत, पहुंच गया, प्रवेश कर गया, उस सारी घटना को बताने के लिए उस बाघ ने क्या किया, उसके अंदर प्रवेश कर गया,
लोमसी का पुनः कथयत, लोमड़ी फिर बोली, क्या बोली, साम्प्रति संप्रति पुनः कूर्दनम करतो दर्शया, अब तुम मुझे बार बार कूद करके दिखाओ, कूर्दनम करतो कूद करके, कूद करके दर्शया दिखाओ, अब तुम क्या करो कूद करके दिखाओ। सह उसने तथैव उसी प्रकार समाचार आचरण किया, अर्थात वो बार बार उसको कूद करके दिखाया, अनारतम लगातार है ना, अनारतम कूदने लगातार कूदने से सह शांता बहुत वह थक गया था, बार बार ही कूदा ना, कूदने से वो क्या गया थक गया था, जाले बद्ध जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्र वह बाघ क्लांत थका हुआ, तथा च और बेसहारा भुतवा, भुतवा का मतलब होता है होकर, भुतवा का मतलब कहता होकर तत्र अपतत वहां गिर गया, वह कौन बाघ क्लांत थका हुआ तथा बेसहारा होकर वहां गिर गया, प्राण भिक्षा मेव च अयाचर और प्राणों की भिक्षा मांगने लग गया, क्योंकि वो लगातार कूदने लग गया और लगातार कूदने से वो थक गया था और थक करके प्राणों की भिक्षा मांगने लग गया। लोमसी का व्याघ्र आवदत, लोमड़ी बाघ को बोली, लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वया भणिता, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है, सर्व स्वार्थम समहीयते समहीते, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, अर्थात सब कुछ स्वार्थ में ही है ना, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, बहुत ही रुचिकर है, इसलिए हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए है ना, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, जो भी बात हो हमें स्पष्ट शब्दों में सामने वाले को कह देना चाहिए, भाई ये बात है, ऐसा ऐसा ही बात है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, धन्यवाद।